ये तो सबको मालूम है कि 2020 आज तक की हिस्ट्री का सबसे बुरा साल है या डिप्रेस्ड साल गुजरा है। तो कुछ नज़र डाल लेते हैं, हुआ क्या क्या शुरू से लेकर एंड तक इस साल में। सबसे पहले तो इस साल के शुरू में एक ड्रामा आया मेरे पास, तुम हो दानिश नहीं रहे, तो उसने बड़ा पाकिस्तान में ट्रेंड किया, दानिश दानिश मर गया, दानिश मर गया, ये वो इंतकाल इंतकाल वगैरह। तो ये बड़ी मीम जिसकी चली थी, दानिश मर गया। अंगूठी पहन ली है मैंने, तो मतलब मैं कोई बदला नहीं ले रहा तुमसे। मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूं महवेश, कि नई रिंग पहनने से पुराने हाथ का लम्स उतर जाता है क्या? तो क्या है कि कौन चाहेगा मोहब्बत की तबाही, लेकिन तुम जो चाहो तो खुदा इसको भी बर्बाद करे। तो इसके बाद एक ड्रामा आया अहदे वफा, जिसके बाद नौजवान नस्ल को दुआ नाम पसंद हो गया और पढ़े लिखे लोगों को फ़ौज में जाने का शौक हो गया, क्योंकि भाई जान इस ड्रामे में कुछ दिखाया ही हूँ गया कि फ़ौज अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लोगों को इंटरेस्ट हो गया फ़ौज में। तो ये ड्रामा भी बड़ा कमाल था। दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने, तो वही इमरान जानी ने एक अच्छा काम किया 2020 में, अर्तुरुल ड्रामे को पाकिस्तान में रिलीज़ कराया, जिसके बाद बहुत से लोग अर्तुरुल को मोहब्बत करने लग गए, अपनी इस्लाम की हिस्ट्री पता चली, पर पाकिस्तान में तो उल्टा ही हो गया भाई। अर्तुरुल नस्वार, अर्तुरुल पापड़, अर्तुरुल टायर शॉप, अर्तुरुल कैफ़े, अर्तुरुल इंटरनेट कैफ़े, तो इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तान में भी चीज़ें आई। और हलीमा सुल्तान के भी खादी पे पोस्टर लग गए, मोबाइल का एड भी कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ये भी थी अर्तुरुल ड्रामे के बारे में। PSL के एंथम को लेकर फिर बहुत सारी गर्मा गर्मी हुई, जिसमें भाई हाजिर है ने मेला लूट लिया, सच में ही मेला लूट लिया। अली ज़फ़र भाई ने बहुत अच्छा गाना उनके सामने पेश किया, खुद उन्होंने माना कि भाईजान अच्छा गाना है, 4 दिन के अंदर बनाया। तो ये हुआ भाईजान, फिर PSL बंद हो गया कोरोना वायरस की वजह से, फिर PSL दिसंबर नवंबर में फिर पाकिस्तान में आ गए। निकले तो आंधी आती है, सांसे अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल। फिर टिकटॉक पे बहुत सारे हादसात हुए, जैसे कि आदिल नहीं रहे, जैसे कि गुड हो गया, ऐसे ही शुगर मेला लगाई रखो, ऐसे ही करते रहे तो करोड़पति बन जाओगे, मैं गरीब हूँ, रसोड़े में कौन था, और भी बहुत सारी मीम्स इसी तरह की, हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। तो बहुत सारे हमें मीम्स भी देखने को मिलती रही, मैं नहीं बताऊँगा, यही तो कयामत है, इंतकाल, इस तरह की बहुत सारी मीम्स हमें मिलती रही, जिससे हम लुत्फानंदोज होते रहे लॉकडाउन के अंदर। फिर एक ऐसी चीज़ वजूद में आई बहुत ज़्यादा, जिसने लोगों को हिला के रख दिया, 31 अगस्त को एक चीज़ आई सामने, जिसका नाम था फरहान 2K2। जी हाँ भाई, 2020 21 अगस्त को एक चैनल वजूद में आया फरहान 2K2 का। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ थी पूरे 2000 साल की, बाकी सारी चीज़ें बुरी होती नहीं, बस एक चीज़ अच्छी होना होती है हर साल, वो अच्छी चीज़ थी कि फरहान 2K2 वजूद में आया। सबसे पहले कोरोना वायरस फरवरी में आया और मार्च में स्कूल बंद हुए, फिर कोरोना वायरस
अगस्त में चला गया, सितंबर में स्कूल खुल गए, फिर सितंबर के बाद नवंबर में फिर स्कूल बंद हो गए, तो कोरोना वायरस गया आया आया नहीं, अब आदत हो गई कोरोना वायरस की। तो भाई इतना दिल नहीं करता कोरोना वायरस के बारे में बात करने का, हर जगह कोविड 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 कोविड, तो दिल नहीं करता इसके बारे में बात करने का। यही से 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। कोविड 19 ने चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी शिकार कर लिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी में कोरोना वायरस की तस्दीक। शहबाज शरीफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर दिली अफसोस है। समान मोहम्मद हफीज वहाब रियाज का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। आमिर लियाकत हुसैन और उनकी अहलिया कोरोना का शिकार हो गए हैं। इस साल पाकिस्तानी लेजेंड्स जो थे उनकी वफात हुई, कुछ उन पे भी नजर डाल देते हैं भाई। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यार है। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, बिजली आ रही है, सब मजे से बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है कि बिल नहीं आएगा, हालांकि बिल आएगा। लॉकडाउन बंद होगा, मीटर चालू होगा, मीटर चालू होगा, घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, तुम गेट खोलोगे, गेट के नीचे बिल पड़ा होगा। ए! तो भाई इस साल पाकिस्तान में बहुत से ऐप्स बैन हुए, जैसे कि टिकटॉक बैन हुआ, बीगो बैन हुआ, टिंडर बैन हुआ और पबजी बैन हुई। तो भाई जहाँ तक बीगो टिकटॉक और टिंडर की बात थी ये तो ठीक हुआ, पर जब पबजी बैन हुई तो बहुत सारी यंग वाम उठाई, पबजी खेलने वाले आ गए कि भाई इसको खोलो, तो वकार यक्का ने कदम उठाया और पबजी को अनबैन कराया। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है वकार यक्का ने। और दूसरी बार टिकटॉक अनबैन हुई, ये सबसे बुरा डिसीजन था, टिंडर बैन है और बीगो भी अनबैन हो गई। भाई यार 2020 एक शख्स या कोई चीज़ नहीं है जिसको हम बुरा बोलें, ये सिर्फ एक डेट है। इसके अंदर बहुत से हादसात ऐसे हुए थे जिसकी वजह से ये साल बुरा कहलाने लगा। इस साल कोरोना वायरस आया, इस साल एरोप्लेन क्रैश हुआ कराची में, इस साल इंडिया के 2-3 बड़े बड़े एक्टर मरे, इस साल खादिम रिजवी साहब इंतकाल कर गए, इस साल बहुत डेथ्स हुई और ज़्यादा, तो इस वजह से ये साल बुरा कहलाने लगा और सुसाइड्स केसेस बढ़ गए। तो इस वजह से इस साल को लोग कहते हैं कि वर्स्ट ईयर ऑफ हिस्ट्री।